दोस्तों सोनाली फोगाट की मौत के बाद अभी उनकी बेटी यानी यशोधरा उनके भी जान का खतरा है, ये पुलिस की ओर से बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोनाली फोगाट की जो मिस्टीरियस डेथ है उसके बाद ये पता चल रहा था कि ये डेथ हुआ है या फिर ये जो खून आया है, ये खून किया गया है वो संपत्ति लिए ही। जी हाँ दोस्तों, सोनाली फोगाट की जो कुल संपत्ति है उनका फिलहाल जो मिला है 110 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, और उनमें 13 करोड़ की जमीन है, और 13 करोड़ की जमीन किसका है, यह है संजय जो कि उनके पति थे, उनके इस समय हरियाणा स्थित 13 एकड़ की जमीन है, और वहां पर जमीन का कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए पर एकड़ माना जा रहा है, और वहां पर ही 13 एकड़ में ही 6 एकड़ में फार्म हाउस और रिसोर्ट बना हुआ है, उसका तो रेट अलग से है। दोस्तों सीसा रोड व राजगढ़ रोड बाईपास के बीच में टंटूर गांव है, वहां पर ही ये जमीन है जो कि लगभग 96 एकड़ की वैल्यूएशन बताया जा रहा है। इसके साथ साथ संत नगर में 3 करोड़ की आवास व दुकान है। सोनाली के पास स्कॉर्पियो सहित 3 गाड़ियां हैं। अभी सबको मिलाकर वैल्यूएशन 110 करोड़ रुपए फिलहाल के लिए बताया जा रहा है। तो दोस्तों सोनाली फोगाट का जो हत्या का मोमेंटम या फिर जिसके लिए हत्या किया गया है वो था ये संपत्ति के लिए ही, ये माना जा रहा है। तो अभी सोनाली के बाद उनकी एक लौती बेटी यशोधरा है इस संपत्ति की वारिस। तो संपत्ति के लिए अगर सोनाली को मारा जा सकता है तो यशोधरा के भी जान का खतरा है, तो इसलिए पुलिस की ओर से ये बताया जा रहा है कि संपत्ति के लिए अगर ये सब हो रहा है तो सोनाली की जो बेटी है वे भी बहुत खतरे में हो सकते हैं। दोस्तों आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि सोनाली की हत्या जो है इस संपत्ति के लिए हुआ है या फिर और किसी के लिए। हाँ, उनके बेटी जो है उनको खतरा हो सकता है, लेकिन सभी पुलिसी जांच के अंदर है। लेकिन 110 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो वैलिड है ये बताया जा रहा है, इसके अलावा कुछ संपत्ति है या नहीं वो ढूंढा जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सोनाली की बेटी जो है उनको जान का खतरा है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपको कमेंट का।